حرف بحرف. यक ब यक ये खामोशी कैसी छा गई? क्या इंसाफ का तूफान ठंडा हो गया? रोमन अदालत के दरवाजे बंद हो गए? आदिल सुल्तान, क्या बेटे की मोहब्बत और फर्ज में जंग हो रही है? आला हजरत, एक मामूली यहूदन की फरियाद को शाही खानदान की इज्जत के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। कानून रैयत के लिए है, बादशाहों और शहजादों के लिए नहीं। डूब मरो इस इंसाफ पर, आंसू बहाओ इस कानून पर, जो कमजोरों के लिए तलवार की धार और जबरदस्त के लिए बागे बहार है, जो अपने लिए नगमा एहसास और हमारे लिए मौत की आवाज है। यहूदी, तुम्हारे ही लिए पैदा हुए दुनिया के नजारे, चमकते हैं तुम्हारी रोशनी से चांद और तारे। तुम्हारा गम है गम, औरों का गम खावो कहानी है। तुम्हारा खून है खून, हमारा खून पानी है। इंसाफ का तकाजा है कि शादी की यह रस्म रोक दी जाए, शहजादे मार्कस को हिरासत में ले लिया जाए और मैं इन यहूदियों के हमारी अदालत में पेश किया जाए। इस मुकदमे का फैसला हम खुद करेंगे, लेकिन रोमन कानून के मुताबिक शाही खानदान के मुकदमे मजहबी अदालत में फैसल होते आए हैं और उसी कानून की रूह से यह मुकदमा भी हमारी अदालत में पेश होना चाहिए। आला हजरत, ऐसा ही होगा मुक्तदाए आजम। हम कानून की तौहीन नहीं चाहते, लेकिन यह मद्देनजर रहे कि इंसाफ की नजर में बुलंद और पस्त छोटे बड़े सब बराबर हैं। वलीअहद सल्तनत होने की हैसियत से शहजादे मार्कस के साथ कोई रियायत न बरती जाए।